हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है लंग्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लंग्स को हिंदी में फेफड़ा कहते हैं। सबसे पहले हमने जो फिगर बनाया है, लंग्स का जो भी फिगर बनाया है, उसमें नॉमिनेशन पहले जानेंगे कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट है आपका लंग्स के इस वाले पार्ट को ट्रैकिया कहते हैं। पॉइंट है, इस वाले पार्ट को हम ब्रोंकस कहते हैं। इसके दो ब्रांच होते हैं, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। ये राइट ब्रोंकस है और ये लेफ्ट ब्रोंकस। इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला प्राइमरी ब्रोंकस, नेक्स्ट है सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर नेक्स्ट ये आकर सबसे लास्ट वाला पार्ट ब्रोंकी का एंडिंग पार्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेरिटरी ब्रोंकी। इसी तरह जैसे हमने लेफ्ट ब्रोंकस में दिखाया तीन पार्ट, इसी तरह बिल्कुल राइट ब्रोंकस में भी तीन पार्ट्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टेरिटरी ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, ये आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स आगे जाकर एलिवोलर डक्ट से, एलिवोलर डक्ट एल्वोलाई से, इस तरह इसका कनेक्शन प्रोसेस होता है लंग्स में। अब नेक्स्ट इस वाले पार्ट को प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और जो प्लूरल फ्लूइड के आसपास जो दोनों लेयर दिखाई दे रही है, आउटर लेयर और इनर लेयर, और बीच वाला जो स्पेस है जहाँ पे ये प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, प्लूरल कैविटी में ही प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं, ये दो होती हैं, आउटर पार्शियल और जो अंदर से ऐड होती है इनर वाली, उसको इनर विसरल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन हैं। ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड प्लूरल मेम्ब्रेन। ये राइट लंग्स है, इसको बोलते हैं लेफ्ट लंग्स। इसके अपर वाले पार्ट को एपेक्स कहते हैं, शीर्ष होता है हिंदी में। और इस वाले पार्ट, नीचे वाले पार्ट को बेस कहते हैं। राइट लंग्स में थ्री लोब प्रेजेंट होते हैं। पहला सुपीरियर लोब, और जो मिडिल वाला होता है इसे मिडिल लोब कहते हैं, और नीचे वाले को इन्फीरियर लोब के बोलते हैं। लेफ्ट लंग्स में दो लोब प्रेजेंट होते हैं। पहला जो अपर वाला होता है उसको सुपीरियर लोब, और लोअर वाले को इन्फीरियर लोब कहते हैं। तो लंग्स में लंग्स के किस पार्ट को क्या क्या कहते हैं ये जान गए। अब नेक्स्ट जानते हैं लंग्स क्या होता है। तो लंग्स देखते हैं, लाइज इन थोरैसिक कैविटी ऑन आइदर
साइड ऑफ द हार्ट। लंग्स थोरैसिक कैविटी में होता है और हार्ट के दोनों साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ बीच में हार्ट पाया जाता है। इसके दोनों साइड लंग्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इट्स ऑर्गन इन वुमेन आर ए पेयर ऑफ, ये ऑर्गन मनुष्य में पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। नंबर ऑफ लंग्स टोटल कितने होते हैं? दो, ये राइट लंग्स, दूसरा लेफ्ट लंग। राइट लंग्स में टोटल 3 लोग पाए जाते हैं और लेफ्ट में 2 लोब, ठीक है। 3 लोब कौन से हैं, 2 लोब वो भी हमने बता दिया है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर। नेक्स्ट, राइट लंग्स का वेट। राइट लंग्स का वेट टोटल 600 ग्राम होता है और लेफ्ट लंग्स का 550 ग्राम वेट होता है, ठीक है, भार होता है। राइट लंग्स का 600 ग्राम और लेफ्ट लंग्स का 550 ग्राम। लेफ्ट लंग्स छोटा होता है और राइट लंग्स बड़ा होता है। नेक्स्ट है लोकेशन। थोरैसिक कैविटी, ठीक है, थोरैसिक कैविटी के थोरैसिक केज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो थोरैसिक कैविटी और जो थोरैसिक केज होती है, इस लंग्स को प्रोटेक्ट करती है किसी भी प्रकार के बाहरी इंजरी से। ये कॉनिकल, ट्रायंगुलर, शंक्वाकार शेप में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट, कलर। कलर में ये यंग पर्सन में ब्राउन कलर का दिखता है, ठीक है, भूरे रंग का। जब लंग्स पे कार्बन कलेक्ट हो जाता है या बैठ जाता है तो जो लंग्स का कलर होता है वो मोटल्ड ब्लैक कलर में दिखाई देता है। नेक्स्ट, रूट ऑफ लंग्स, हाइलम को बोलते हैं। नेक्स्ट है टेक्सचर। इसकी बनावट कैसी होती है? स्पॉन्जी होती है। अरेंजमेंट, ऑफ स्ट्रक्चर इन रूट, जो लंग्स का रूट है, ठीक है, स्ट्रक्चरली में कौन कौन से पार्ट जुड़े हुए दिखाई देते हैं, हमने फिगर में आपको दिखाया है। पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट है एल्वुलाई। लंग्स में एल्वुलाई टोटल कितना प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एल्वुलाई 300 मिलियन प्रेजेंट होती हैं लंग्स में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन लंग्स में प्रेजेंट होती हैं एल्वुलाई। नेक्स्ट, एल्वुलाई पार्ट में ही गैसेस एक्सचेंज होते हैं, सरफेस एरिया मीन्स गैस एक्सचेंज होने के लिए कितना एरिया, मतलब कितना एरिया एल्वुलाई में प्रेजेंट होता है, तो टोटल 40 से 80 मीटर स्क्वायर स्पेस होता है, ठीक है, गैस को एक्सचेंजेस होने के लिए। अब नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लंग्स नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।